हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कस ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कंसंट्रेशन सेल। आज हम उसकी एप्लीकेशंस करेंगे कंसंट्रेशन सेल की। फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशियंट, मतलब कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशियंट का पता लगा सकते हैं हम। हमने इसमें एक रिवर्सिबल सेल ले ली विदाउट ट्रांसपेरेंस, जिसमें ट्रांसपेरेंस नहीं हो रहा आयन्स का। दो बीकर में ये रिएक्शन करवाई थी पहले, या तो साल्ट ब्रिज कनेक्ट करके करवाई थी। अब इसमें हमने एच पॉजिटिव आयन ले लिए, 1 एटमोस्फेयर प्रेशर उसका, HCl एक्टिविटी A1 है इसकी, AgCl। हमने सिल्वर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले ली। इसके अंदर क्या क्या, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो HCl सॉल्यूशन के अंदर डीप है दोनों। तो हमें, और HCl सॉल्यूशन की एक्टिविटी है A, तो हमें अब एक्टिविटी कोफिशियंट है जो HCl का वो पता लगाना है। मतलब एक्टिविटी कोफिशियंट क्या था, गामा। गामा का पता हम लगा सकते हैं HCl का। इसे इसमें सेल रिएक्शन क्या होगी, ये सेल रिएक्शन इसकी हाफ H2 प्लस में AgCl ये देगी, Ag प्लस में H पॉजिटिव AH पॉजिटिव। यहाँ पे एक्टिविटी है H पॉजिटिव आयंस की और Cl नेगेटिव ACl नेगेटिव, ये एक्टिविटी है Cl नेगेटिव आयंस की। अब नन्स ने एक इक्वेशन दी थी EMF कैलकुलेट करने के लिए, तो अब हम इस इक्वेशन से EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। E सेल इज इक्वल टू E नॉट Ag बाय में AgCl प्लस RT बाय में FLN 1 बाय में AH पॉजिटिव एंड ACl नेगेटिव, मतलब एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस और एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब हम AH पॉजिटिव और ACl नेगेटिव को A भी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों की एक्टिविटी, HCl की एक्टिविटी। हमने पहले ही बोला था कि A है क्या है, HCl की एक्टिविटी, तो टोटल के लिए हमने HCl की एक्टिविटी की जगह A ले लिया। तो अब यहाँ पे 1 बाय A हो गया, और A की पता है हमें वैल्यू, एक्टिविटी को, एक्टिविटी क्या होता है, M गामा, एम स्केयर गामा स्केयर प्लस माइनस, ये होता है, हमने एक्टिविटी कोफिशियंट के डेरिवेशन में किया था। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे AgCl RT by F, अब हमने यहाँ पे लिख दिया LN 1 माइनस 2 M गामा स्केयर, हम इस टर्म को ऊपर ले गए तो ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये वाले। तो अब हमने इसको अलग अलग लिखा, तो AgCl नोट Ag by में AgCl माइनस 2 RT by F LN M माइनस RT by F LN गामा प्लस माइनस। अब जो ये टर्म है, इस टर्म को हम इस साइड ले गए, मतलब ई सेल की साइड ले गए, ई सेल की साइड ले गए इस टर्म को। तो ये टर्म इस साइड लेने के बाद इस साइड ये बची। अब इसमें क्या है, जो गामा प्लस माइनस है ये मीन एक्टिविटी कोफिशियंट है हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन का सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर हम इसके बीच में और अंडर रूट एम के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ पे ई नोट सेल ले लिया और यहाँ पे अंडर रूट एम ले लिया, तो इसमें एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या होगा, जो इनफिनाइट डाइल्यूशन है उसके अंदर क्या है, ई नोट की वैल्यू जीरो है, जिसकी वजह से इनफिनाइट डाइल्यूशन पे गामा है जो एक के इक्वल है। तो राइट हैंड इक्वेशन है, जो फिफ्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन है, तो ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी, ये जीरो के इक्वल हो जाएगी इनफिनाइट डाइल्यूशन के अंदर। अब जो ई नोट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ई नोट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद प्लस माइनस गामा है जो मोलैरिटी को, किसी भी मोलैरिटी पे HCl की, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें ई नोट सेल की वैल्यू पता है तो हम इसकी वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड है इन डिटरमिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयंस, आयंस की वैलेंसी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम। नंस ने इक्वेशन दी थी वही कंसंट्रेशन सेल की, EMF लिख ली हमने। इसके बाद यहाँ पे हम A की जगह C1 बाय में C2 भी लिख सकते हैं। अब C1 C2 क्या है, वैलेंसी है आयंस की, यहाँ पे N है, वैलेंसी ऑफ आयंस इन्वॉल्व है, और ये कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू हमें एक पुट दी मिलेगी, तो इसको पुट करके हम N की वैल्यू पता लग सकते हैं, मतलब वैलेंसी है जो आयंस की पता लग सकते हैं। अब आगे है इन डिटरमिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है वो स्प्रेंगली सोल्यूबल साल्ट कब होगा, जब उसका सेचुरेटेड होगा लो कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, जब वो लो कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स पे सेचुरेटेड होगा तब वो स्पेरेगली सोल्यूबल साल्ट होगा। तो मतलब क्या है, जो स्पेरिगल सेचुरेटेड सोल्यूशन है स्पेरिगल सोल्युबिलिटी का, हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। हमने एक इक्वेशन ले ली, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, एम एक्स सोलिड इक्विलिब्रियम में है एम एक्स एक्वस के साथ, और ये देगी एम पॉजिटिव और एम नेगेटिव आयंस। तो के एस पी मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, एम पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। अब हमें पता है जो आयनिक कंसेंट्रेशन होती है वो सोल्युबिलिटी है स्पेरेगली सोल्युबल साल्ट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता लगाना है AgCl का, मान लिया हमें कोई भी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता लगाना है AgCl का, तो हमने एक सेल ले ली Ag 0.01 नॉर्मल KCl विद AgCl सैचुरेटेड है ये, और यहाँ पे सी इसकी कंसेंट्रेशन है Ag पॉजिटिव आयंस की। ये साल्ट प्लीज कनेक्ट किया NH4NO3 सॉल्यूशन का, और यहाँ पे दूसरे सॉल्यूशन क्या लिया 0.01 AgNO3 सॉल्यूशन Ag। इसके अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड लिए हमने, दो इलेक्ट्रोड लिए दो बीकर के अंदर, सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, और एक तो डिप की है 0.01 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन के अंदर, और दूसरी डिप की है 0.01 AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे बीच में एक साल्ट ब्रिज लगा है। इस तरह की हमने एक सेल ली है। इसके अंदर क्या है, जो कंसेंट्रेशन है Ag आयंस की 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, और कंसेंट्रेशन है ये तो राइट हैंड साइड की थी और लेफ्ट हैंड साइड के है सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे 1/C। सी कैलकुलेट करना है हमें इसके अंदर, तो हम क्या कैसे करेंगे, तो AgCl सॉल्यूशन है वो स्पेरेगली सोल्यूबल है 0.01 सॉल्यूशन में, तो क्या होगा Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे AgCl से, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो राइट हैंड इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.01, इसके अंदर क्या Cl नेगेटिव है जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP को हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या होगा, इस तरह सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ag पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन थी सी और Cl नेगेटिव की थी 0.01, तो सोल्युबिलिटी क्या होगी AgCl की S मोल पर लीटर। तो इसके अंदर क्या होगा Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव S ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगी, तो KSP इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, यहाँ पे भी S लिख दिया, यहाँ पे भी S, इनको इनटू में करके S स्क्वायर आ जाएगी इसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आगे है इन डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हम pH भी पता लगा सकते हैं। pH क्या होता है, माइनस लॉग AH पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के लॉग के ऊपर डिपेंड करता है ये लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 1/AH पॉजिटिव आयन, या फिर लॉग 1/CH पॉजिटिव आयन, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है, अब हम जैसे पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है, बहुत सारे मेथड अवेलेबल है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन के अंदर उसका पता लगा सकते हैं। अब ये जो हम ना रेफरेंस सेल के साथ कनेक्ट करके उसका पता लगा सकते हैं पीएच का सॉल्यूशन का, फर्स्ट हम यूज करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके अंदर क्या है, अननोन पीएच कपलेट है जिसके साथ कैल्म्यूल इलेक्ट्रोड है वो कनेक्ट की गई है। जैसे हमने दो एक सॉल्यूशन ले लिया, उसके अंदर यहाँ पे कैल्म्यूल कनेक्ट कर दी और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दी, तो इसका पीएच पता कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा दिया। तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन ये होगी PtH2/H पॉजिटिव अननोन कंसेंट्रेशन, मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन हमें पता नहीं है। साल्ट ब्रिज कनेक्ट किया, KCl सैचुरेटेड है, Hg2Cl2 सॉलिड है और Hg पॉजिटिव, ये फर्स्ट रिएक्शन दिया इसने। अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होगी, सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब जो भी कोई भी गेन करता है उसके अंदर रिडक्शन होता है, तो इसके अंदर रिडक्शन होगा। अब EMF जो नन्स इक्वेशन से हम EMF का, इस इक्वेशन से हम EMF का पता लगा सकते हैं, यहाँ पे लोग H पॉजिटिव मतलब pH भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे माइनस लगा के। अब आगे जो E नोट है, जो E इक्वल जीरो के है, हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड में किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जो स्टैंडर्ड EMF होगा वो जीरो होगा।
तो अब यहाँ पे ई नोट की वैल्यू 0 पुट करने के बाद तो ये वैल्यू आ गई इसकी, लोग एच पॉजिटिव। यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद आर टी आर की वैल्यू रखने के बाद, टी की और एफ की वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, लोग एच पॉजिटिव आए। अब हमने ई एम एफ फर्स्ट सेल का पता लगा लिया है, अब इसका ई एम एफ है जो सेकेंड का हमें पता है, आर एच एस माइनस एल एच एस। आर एच एस क्या था, यहाँ पे राइट हैंड साइड कैल्म्योल इलेक्ट्रोड कनेक्ट की गई थी, कैल्म्योल इलेक्ट्रोड का फिक्स्ड पीएच होता है 0.2415, तो यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है हमें पता है, तो हम इससे पीएच को इस इक्वेशन को भी उस साइड ले जाएंगे ई नोट सेल की तरफ, और इसको भी साइड ले जाएंगे, तो ये वैल्यू पीएच की आ जाएगी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की। सेकंड है, यूजिंग क्विनोहाइड्रीन इलेक्ट्रोड इन प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन। अब हमें पता है इक्वली मोलर मिक्सचर होता है क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस के में इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है इसके अंदर, तो ये इसकी सेल रिएक्शन है। क्या प्लस टू एच पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या एच टू बनाएगा, ये क्विनोहाइड्रिन बनाएगा, क्विनिन प्लस हाइड्रिन। अब इसकी ई एम एफ क्या होगी, ई क्यू इजक्ल टू ई नोट क्यू प्लस 2.030 आर टी बाय एन एफ लोग क्या बाय में एच पॉजिटिव का स्केयर क्या एच स्केयर। अब ये क्या बाय में क्या एच पॉजिटिव है, इक्वली मोलर उसमें है, इक्वली मोलर मिक्सचर में प्रेजेंट, मतलब इक्वल अमाउंट प्रेजेंट है इनकी, तो इनको काटने के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे लोग एच स्केयर बच जाएगा। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करने के बाद ई नोट क्या इज प्लस में 0.0591 लोग एच पॉजिटिव आयन आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसकी आगे फर्दर वैल्यू हो गई सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे ई क्या की जो पीएच हमें पता है ये 0.0696 होती है इसकी पीएच की वैल्यू, तो ये इसके पीएच की वैल्यू। अब हमने क्या किया, जो क्विनोहाइड्रिन इलेक्ट्रोड है उसको कपलेट किया, मतलब उसको कनेक्ट किया कैल्म्योल इलेक्ट्रोड के साथ, मतलब यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन लिया इसके अंदर, यहाँ पे जो कैल्म्योल इलेक्ट्रोड है उसको कनेक्ट किया, और इसको यहाँ पे हमने क्विनोहाइड्रिन इलेक्ट्रोड ली। अब इसको हमने पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट किया, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाया। अब इसके अंदर HgHg2Cl2 और KCl सॉल्यूशन फील्ड है, और इसके अंदर क्या है प्लेटिनम वायर है, क्विनोहाइड्रिन है, और Hg है नीचे। अब यहाँ पे क्विनोहाइड्रिन बनेंगे नीचे इसके अंदर, तो फिर ई नोट सेल राइट माइनस लेफ्ट, राइट में क्या है क्विनोहाइड्रिन है और लेफ्ट में कैल्म्योल है। क्विनोहाइड्रिन का पीएच पता है हमें, कैल्म्योल का पता है, तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू निकल जाएगी सारी वैल्यू पुट करने के बाद। अब है यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड, हम ग्लास इलेक्ट्रोड का यूज कैसे कर सकते हैं। अब हमने ग्लास इलेक्ट्रोड ले ली, इसके अंदर ग्लास वेसल के अंदर क्या फिल होता है, 1 मोलर NH4Cl, NHCl 1 नॉर्मल HCl फिल होता है इसके अंदर। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जैसे ये ग्लास इलेक्ट्रोड है इसके अंदर ये यहाँ पे प्लेटिनम वायर होगी, यहाँ पे ये AgCl कोटेड विद AgCl, Ag इलेक्ट्रोड कोटेड विद AgCl, यहाँ पे ग्लास इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे 1 नॉर्मल HCl प्रेजेंट है, 0.1 मोलर भी बोल सकते हैं इसको, और ये प्लेटिनम वायर है। तो अब इसके अंदर क्या है ईजी, मतलब अब हमें ईएमएफ पता लगाना है ग्लास इलेक्ट्रोड का, ईजी इज इक्वल टू ई नोट जी प्लस 0.0591 लोग एच पॉजिटिव आयंस। तो यहां से हम इसकी पीएच भी, एच पॉजिटिव को माइनस पीएच भी लिखते हैं, तो इसको लिख दिया। अब ई नोट जी है डिपेंड करता है नेचर ऑफ ग्लास की, ग्लास का नेचर क्या हो, और पीएच होगा एचसीएल का वो बल्ब के अंदर होगा। अब ये हमने जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, ये ग्लास इलेक्ट्रोड तो हमने राइट हैंड साइड ली, और ये कैल्म्योल इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दी, यहाँ पे कैल्म्योल इलेक्ट्रोड ले ली और ये पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट कर दी, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, पीटी 1 मोलर एचसीएल ग्लास बाय में डैश सॉल्यूशन ऑफ अननोन पीएच साल्ट ब्रिज स्टैंडर्ड कैल्म्योल इलेक्ट्रोड ली। अब हमने क्या किया, इन सेल हमें पता है क्या होता है राइट माइनस लेफ्ट, राइट में क्या है कैल्म्योल है, लेफ्ट में क्या है ग्लास है। अब ग्लास की हमें ये वैल्यू पता लगाई थी, तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये होगी पीएच के डिटरमिनेशन में। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में। कल हमने किया था कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंस, मतलब एक सेल ली थी इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड जंक्शन, छोटी पतली सी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, उसके
थ्रू आयन्स का ट्रांसफेरेंस हो रहा था, क्लोरीन आयन का और हाइड्रोजन आयन्स का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम और उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है, पोटेंशियल सेटअप होता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल सेटअप होता है जंक्शन पे, दो सॉल्यूशन के जंक्शन पे, जिसके आयन्स की स्पीड होती है वो जो डिफरेंस होती है बाउंड्री के अक्रॉस। अब इसका जो ईएमएफ है, ई सेल इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस में ई जे। ई जे क्या है, जंक्शन पोटेंशियल है। ई वन और ई टू क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दो इलेक्ट्रोड्स के किसी भी। अब क्या इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम जंक्शन पोटेंशियल की। हमने एक सेल ले ली, ट्रांसफेरेंस हो रही है उसके अंदर H2 / एच सी एल, इसकी ए वन कंसेंट्रेशन है, एच सी एल ए टू कंसेंट्रेशन होगी H पॉजिटिव। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले ली, इसमें दोनों में एच सी एल फिल कर दिया अलग अलग कंसेंट्रेशन का। ए यहाँ पे ए वन कंसेंट्रेशन ले ली, यहाँ पे ए टू कंसेंट्रेशन ले ली। अब इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी दोनों की मिला के, H पॉजिटिव ए टू देगी H पॉजिटिव ए वन, इक्वल हो गए ये दोनों। अब दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें नर्नेस्ट इक्वेशन से पता लगा लिया था, उसके अंदर ई वन प्लस ई टू क्या होता है, माइनस आर टी बाय में एफ एल एन ए एच पॉजिटिव बाय में ए एच पॉजिटिव टू का है और ये वन का है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ये वन की ये टू की। कल हमने ये फॉर्मूला किया था कंसेंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस के अंदर। अब क्या होगा, आर टी बाय में एफ एल एन ए एच टू, ए को हम ऊपर ले गए और टू को ऊपर ले गए और वन को नीचे ले आए, तो ये पॉजिटिव में आ गया, तो ये हमें पता लग गया फॉर्मूला इसका। यहाँ पे हमने यहाँ पे एम एच पॉजिटिव और गामा एच पॉजिटिव रख दिया ए की जगह, एक्टिविटी का फॉर्मूला एम गामा होता है ये हमें पता है, ये तो हमें एम और गामा इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ईएमएफ है हमें ई इज इक्वल टू ई टू टू टी डैश आर टी बाय में एफ एल एन एम टू गामा टू एम वन गामा टू। ये हमें ईएमएफ हमने कैलकुलेट किया था कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस के अंदर। अब हमें ई की वैल्यू पता है, ई वन और ई टू की पता है, तो अब हम ई जे की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस में ई जे था, तो ई जे की वैल्यू पुट करनी है तो हमें इसको माइनस में ले जाएंगे, तो ये ई जे की वैल्यू होगी, मतलब जंक्शन पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रो ईएमएफ जंक्शन पोटेंशियल का। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ई के अंदर इक्वेशन फोर्थ सब्सटीट्यूट कर देंगे और ई वन ई टू के अंदर इक्वेशन थर्ड सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन फाइव के अंदर। यहाँ पे ई की वैल्यू और ई वन प्लस ई टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या ले लिया, एम एच पॉजिटिव और गामा एच पॉजिटिव की जगह एम वन और एम टू गामा टू और गामा वन ले लिया। अब हम इक्वेशन सिक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं, टू टी डैश आर टी बाई एफ एल एन एम टू गामा टू एम वन गामा टू माइनस आर टी बाई एफ एल एन एम टू। अब हमने इसमें आर टी बाई एफ एल एन एम एम टू गामा टू एम वन गामा वन तो कॉमन ले लिया और टू टी डैश माइनस वन ये इस फॉर्मूले से आ गया। अब हमें पता है टी प्लस प्लस टी माइनस इज इक्वल टू वन, ये वन के इक्वल है, टू टी डैश माइनस वन इक्वल है टी डैश प्लस टी डैश माइनस वन के, तो यहां से क्या आ जाएगा, टी प्लस टी माइनस टी प्लस आ जाएगा, तो हम टू टी डैश माइनस वन की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे और यहाँ पे ई जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ई जे इज इक्वल टू टू टी डैश माइनस टी प्लस आर टी बाय में एफ एल एन एम टू गामा टू एम वन गामा टू। ये थी ईएमएफ जंक्शन पोटेंशियल की। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।